इस फिल्म का नाम बड़ा अनोखा है, अगर दुनिया की सारी बिल्लियां गायब हो जाए तो क्या होगा। ये सवाल जितना अजीब है जवाब उतना ही लाजवाब। तो आइए जानते हैं कि बिल्लियां के गायब हो जाने से क्या होगा। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। 2016 की जापानीज मूवी इफ कैट्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, डायरेक्टर अकीरा नागाई, IMDb रेटिंग 6.8। जापान का एक शहर की आम सी सुबह, ताकेरू अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पूरी कर रहा है। वो एक पोस्टमैन है जो लगभग शहर के हर कोने से वाकिफ है। शिफ्ट पूरी कर लॉकर से अपना सामान लेकर वो अपने दोस्त तात्सायो के पास पहुंचा। तात्सायो का एक डीवीडी का दुकान है और वो हर रोज ताकेरू को एक फिल्म की डीवीडी देता है, जिसे देखकर वो अगले दिन लौटा देता। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सुबह की कॉफी, अपने बिल्ली को खाना खिलाना और लंच बांधकर दफ्तर निकल जाना। अभी वापस जाते वक्त रास्ते में भी ताकेरू के मन में कुछ खास नहीं चल रहा। वो हम और आप जैसा ही है, भविष्य के बारे में सोचे भी तो कम से कम मरने का ख्याल तो नहीं आता है। अचानक खूबसूरत शाम में सिमटता शहर धुंधला हो गया और वो एकाएक साइकिल से मुंह के बल जमीन पे आ गिरा और होश खो बैठा। आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। सामने बैठा डॉक्टर क्या कह रहा है, उसे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ताकेरू को ब्रेन ट्यूमर है जो उसके दिमाग के नस के करीब है, जिसकी वजह से ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। उसे जल्द से जल्द भर्ती हो जाना चाहिए। बड़ी हिम्मत करके उसने पूछा, मेरे पास कितना वक्त बचा है? ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, जवाब आया। ताकेरू का मन तो किया कि वो जोर से चिल्लाए, रोए, मगर वो चुपचाप वहां से निकलकर घर की तरफ चल दिया। वो ट्रेन में एक हंसते खेलते परिवार को देख रहा है। वहां से उतरकर वो रोज जिस दुकान पर खाने के लिए जाता है वहां भी गया, पर कुछ खा नहीं पाया। वो वही चीजें करने की कोशिश कर रहा है जो वो रोज करता है, मगर कर नहीं पा रहा। इतने दिनों में कितनी फिल्में देख पाऊंगा मैं, या कितनी किताबें पढ़ सकता हूँ? यही सब सोचते हुए वो अपनी मौत को थोड़ा दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है। घर के सामने लेटर बॉक्स में ढेर सारे फ्री कूपन्स और कुछ सरकारी कागज है, लेकिन उनकी अब ताकेरू को जरूरत नहीं। उन्हें नीचे रखी कूड़ेदान में डाल वो अंदर आ गया। वो यहाँ किराए पे ऊपर माले पर रहता है। दरवाजा खोलते ही उसकी बिल्ली आवाज देने लगी। कमरे की बत्ती जलाते ही वो चौंक गया। सामने एक और ताकेरू बैठा है जो कहता है, कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और मैं तुम्हारा ही प्रेत हूँ जो तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, फिर ये तो जिंदगी की बात है। तो हर एक दिन ज्यादा जीने के बदले तुम्हें इस दुनिया की कोई भी एक चीज की कुर्बानी देनी होगी जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी होनी चाहिए। ताकेरू तो हकबका गया। क्या बोले वो, एक दिन और जीने के लिए कौन सी चीज गायब करे? तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसके दफ्तर से बॉस का फोन आया है। ताकेरू ने कल काम पे जाने से मना कर दिया। तभी ताकेरू के प्रेत ने कहा, ये मोबाइल फोन बहुत इस्तेमाल करते हो ना, ये तो आजकल सबके लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो फिर तय हुआ, सबसे पहले जो चीज इस दुनिया से गायब होगी वो है मोबाइल फोन। ताकेरू अभी तक भी किसी तरह की प्रतिक्रिया देने लायक नहीं हुआ। उस प्रेत ने कहा, उठाओ फोन, क्या तुम आखिरी बार किसी से बात नहीं करना चाहोगे? ताकेरू ने फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाली और ऊपर से नीचे तक ढूंढने लगा कि किसे आखिरी वक्त पे कॉल लगाए। और कमाल की बात है, इतने सारे लोगों के नाम वहां लिखे हैं पर सूझ उसे एक भी नाम नहीं रहा। तभी उसकी उंगलियां एक नंबर पर आकर रुकी। ताकेरू के प्रेत ने जाते जाते उसे कहा, तुम्हारे पास एक दिन की मोहलत है फोन को इस्तेमाल करने की, और हवा में घुल गया। ताकेरू के फोन पे वो नंबर उसके बाबा का है, जिनसे काफी समय से उसने बात नहीं की। म्याँ, म्याँ, म्याँ। बिल्ली की आवाज के साथ कहानी अतीत में चली गई। 8 साल के ताकेरू को स्कूल से लौटते वक्त तेज बारिश में एक बिल्ली का बच्चा सड़क किनारे भीगता हुआ मिला। वो उसे उठाकर घर ले आया, पर माँ उसे रखने की इजाजत नहीं दे रही क्योंकि उन्हें बिल्लियों से एलर्जी है। ताकेरू के लगातार जिद करने पे बाबा भी एक बार के लिए उठकर आए और फिर वापस अपनी जगह बैठ गए। ताकेरू ने बाबा के चेहरे से ज्यादा तो उनकी पीठ देखी है, क्योंकि वो दिन रात एक कोने में बैठे घड़ी बनाने का काम करते हैं। आखिरकार माँ को ताकेरू की बात माननी पड़ी और घर के नए सदस्य का नाम पड़ा रेतासु।
अब अगली सुबह ताकेरो अपने समय पर उठा। कल के बारे में वो लगभग भूल चुका था कि ब्रश करते हुए उसका एक चांदी का दांत टूटकर बेसिन में गिरा और कल का पूरा हादसा एक बुरे सपने की तरह उसकी नजरों के सामने से गुजर गया। सिर्फ एक दिन की मोहलत मिली है उसे मौत से। वो ट्रेन पकड़कर किसी से मिलने पहुंचा। वो मियाज़ाकी है, ताकेरो की रह चुकी प्रेमिका। उसे अचानक देख वो चौंक गई क्योंकि एक अरसा हो चुका है उन्हें अलग हुए। ताकेरो चला तो गया मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि बात कहां से शुरू करे। अगर इस दुनिया से मोबाइल फोन गायब हो जाए तो तुम आखिरी फोन किसे लगाती, ताकेरो ने पूछा। मियाज़ाकी बोली, तो तुम्हारे लिए वो आखिरी इंसान मैं हूँ, तुम्हारे बाबा का क्या हुआ? अब ताकेरो सोचने लगा। कॉलेज के बाद वो अपना शहर छोड़ चुका था। उसे याद है वो काम से छुट्टी लेकर आया था जब माँ अस्पताल में आखिरी सांस ले रही थी। तब भी बाबा उनके पास नहीं थे। पापा हमेशा से ही परिवार से अलग थलग रहते थे, ना ही ज्यादा बोलते थे। वो एक परछाई की तरह याद तो है मगर हाँ वे परछाइयाँ बोलती भी नहीं, बिल्कुल बाबा की तरह। बाबा वहाँ आए पर उस दिन भी वो माँ की प्यारी पुरानी घड़ी बनाने में व्यस्त थे, पर देरी हो गई। शायद हर कोई हर किसी की तरह प्यार नहीं जता सकता। उस दिन ये बात ताकेरो नहीं समझ पाया, उसे बड़ा गुस्सा आया और उस दिन के बाद से बाप बेटी में दूरी आ गई। बाबा तो पहले ही नहीं बोलते थे और अब उनकी बीच की कड़ी माँ भी खामोश हो गई। मियाज़ाकी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ के आखिरी के महीनों में उनके पास काफी आया जाया करती थी। ताकेरो और मियाज़ाकी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उनकी पहली बात एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी, फिर वो एक ही कॉलेज में मिले। हालांकि घर उनका ज्यादा दूर नहीं था पर उनकी आधी प्रेम कहानी फोन पे बातें करते हुए ही गुजरी है। वो देर रात तक बातें करते हुए फोन पर ही सो जाना और आमने सामने मिलने पर रात की नींद एक दूसरे के कंधे पर बिताना। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर कभी नहीं मिले। अब मियाज़ाकी को काम पे जाना है। जाते जाते वो पीछे मुड़कर बोली, तुमने जो सवाल पूछा था तो मेरा जवाब है, मैं कभी नहीं चाहती कि फोन इस दुनिया से गायब हो जाए क्योंकि उसके साथ हम दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ी है, वो सब भी तो गायब हो जाएंगी। ताकेरो को अब महसूस हुआ एक वक्त में फोन ही उनके प्यार की सीढ़ी थी। उसने अफसोस करते हुए कह दिया, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मालूम नहीं कभी दोबारा मिलना होगा या नहीं। दोनों ही खामोश खड़े रह गए। घर लौटकर मियाज़ाकी ने उसके पास लंबे अरसे से पड़ी एक चिट्ठी डाक कर दी। अब यहाँ ट्रेन में ताकेरो का प्रेत उसे दिखते ही उसके हाथ में मोबाइल फोन पिघलने लगा और धीरे धीरे सबके हाथों से फोन गायब होने लगा। ताकेरो डर कर ट्रेन से बाहर भागा। उसने देखा फोन की सारी दुकानें दूसरे चीजों की दुकानों में बदल रही है। सड़कों और बिल्डिंग्स पे फोन के बड़े बड़े इश्तिहार की जगह खाली है। वो मियाज़ाकी के काम करने वाली जगह पहुंचा तो देखा वो अब भी टिकट काउंटर पर बैठी है, पर अब वो उसे नहीं जानती क्योंकि उसने कभी किसी ताकेरो से फोन पर बात नहीं की। तभी वहां उसका प्रेत भी आ पहुंचा और बोला, मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो, तुमने ही फोन को दुनिया से गायब करने के लिए हामी भरी थी। फोन के गायब होने के साथ उससे जुड़ी यादें भी तो गायब होंगी ना, वैसे भी फोन तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं। मुबारक हो तुम्हें जिंदगी का एक और दिन। कल किस चीज को दुनिया से मिटाना है सोचकर रखना, शायद वो, ऊपर की तरफ इशारा करते हुए प्रेत बोला। वहां सिनेमा लिखा था, यानी अगली चीज है फिल्में जिसका नामो निशान इस दुनिया से मिटने वाला है। उस रात ताकेरो सोचता रहा कि फिल्मों के गायब होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, और तब उसे ख्याल आया उसके कॉलेज दोस्त तात्सुआ का। वो हमेशा अकेला बैठता था। एक दिन ताकेरो ने उससे बात करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो फिल्मों का दीवाना है। फिल्म उसके लिए मनोरंजन से ज्यादा एक एहसास है। ऐसे तो तात्सुआ ज्यादातर चुप रहता है मगर जब बात फिल्मों की हो तो उसे कोई चुप नहीं करा सकता। ये वही तात्सुआ है जिसके वहां से वो डीवीडी ले जाता है। ऐसा लगता है वो फिल्मों के जरिए बात करते हैं और जब तक ये फिल्मी कारवा रहेगा ये दोस्ती रहेगी। वो काफी लंबे समय से दोस्त है। ताकेरो अगले दिन तात्सुआ की दुकान पे गया और कहा, अगर तुम मुझे आखिरी फिल्म देना चाहो तो वो कौन सी होगी? तात्सुआ को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, आखिरी फिल्म? आखिरी फिल्म जैसा तो कुछ नहीं होता, ये तो एक सफर है, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। फिर ताकेरो ने कहा, और अगर मैं कहूँ कि फिल्म दुनिया से गायब होने वाला है जैसे ये कभी था ही नहीं? तात्सुआ को तो उसकी बातें बिना सर पैर की लग रही है। वो बोला,
जब तक अच्छी कहानियां हैं लोग उस पर फिल्म बनाते रहेंगे। ताकिरो के वहां से जाने के बाद उसे समझ आया कि कहीं ताकिरो को कुछ होने तो नहीं वाला। वो आखिरी फिल्म क्यों देखना चाहता है? ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके दोस्त ने ऐसा कुछ मांगा है तो वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करे। उसने पूरी दुकान उलट पुलट कर दी, लेकिन वो एक आखिरी फिल्म नहीं ढूंढ पाया क्योंकि ये नामुमकिन है। वहां ताकिरो उसी मूवी हॉल के सामने खड़ा है जहाँ टिकट काउंटर पे मियाज़ाकी बैठी है। तभी उसके प्रेत ने आकर उसे कहा, तुम इतने मायूस क्यों हो? आखिर फिल्म के ना होने से किसी की जान तो नहीं चली जाएगी, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? ताकिरो ने जवाब में कहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है दुनिया में जो सिर्फ अच्छी फिल्म अच्छे संगीत ही कर सकती है। प्रेत बोला, बेशक, मगर ये चीजें जिंदगी की जगह नहीं ले सकती। और पलक झपकते ही वो मूवी हॉल गायब हो गया। ताकिरो भागा भागा तात्सुओ के दुकान पे गया। वहां उसकी आंखों के सामने एक विचित्र खेल हो रहा है। डीवीडी किताबों में तब्दील हो रही है, सारी तख्ते और दराजे किताबों से भर गई। वही तात्सुआ भी खड़ा है, मगर वो अब किसी ताकिरो को नहीं जानता। उनके कॉलेज के दिनों से अब तक की सारी यादें उस मूवी हॉल की तरह गायब हो गई। जैसे वहां कुछ तो था, पर क्या, किसी को नहीं मालूम। इन दो दिनों में ताकिरो की जिंदगी से प्यार और दोस्ती जैसे शब्द गायब हो गए। अब कहानी आ जाती है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के एक शहर में, जब ताकिरो और मियाज़ाकी घूम रहे हैं। वहां तोमासा नाम के एक आदमी से उनका परिचय हुआ। वो कई देश घूम चुका है और वो कभी नई जगह पे घूमना रुकना नहीं चाहता। नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, यही उसके लिए जिंदगी जीना है। घूमते हुए वो एक कब्रिस्तान के शहर पहुंचे। यहाँ के मकानों में कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ की दीवारों पे मरे लोगों के नाम खुदे हैं। ना जाने ऐसे कितने ही नाम वहाँ की दीवारों में कुरेदे जा चुके हैं। शाम के कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद अब तोमासन के अलविदा लेने का वक्त आ गया। वो वापस मुड़े ही थे कि उसी ओर से आ रही भीड़ की चीख पुकार ने दोनों का ध्यान आकर्षित किया। तोमासन का सड़क पार करते वक्त हादसे में मौत हो गई। किसे पता था कि दुनिया घूमने का सपना लेकर वो इसी शहर के कब्रिस्तान की दीवारों में दफन हो जाएगा। इस हादसे ने दोनों को हिलाकर रख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा असर मियाज़ाकी पर पड़ा। वो समझ नहीं पा रही कि किस तरह एक जीता जागता इंसान इस दुनिया में अब नहीं रहा, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया तो वैसे की वैसे ही चल रही है, तो क्या मेरे जाने से वाकई किसी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या हर सुबह उठकर कोई इस दुनिया में मेरी कमी महसूस करेगा? ये बातें उसके जहन में इस तरह घर कर गई कि सारे रिश्ते उसे खोखले लगने लगे, और यही वो वजह थी कि वो दोनों अलग हो गए। आज यही सवाल ताकिरो खुद से कर रहा है, क्या वाकई किसी को उसके चले जाने से फर्क पड़ेगा? क्या कोई उसके लिए भी आंसू बहाएगा? एक एक दिन की मोहलत के लिए वो एक एक रिश्तों को गवा रहा है। तीसरे दिन जिंदा रहने के लिए घड़ी भी दुनिया से गायब कर दी गई, वो घड़ी जिससे उनके माँ बाबा की कहानी शुरू हुई थी, जिसमें उसके बाबा उम्र भर डूबे रहे। शाम को ताकिरो के सामने वो प्रेत बैठा है और उसकी गोद में उसकी बिल्ली है। तो फिर अगली कुर्बानी क्या होगी? प्रेत बोला, क्यों ना बिल्लियों को गायब कर दिया जाए? बिल्ली के चले जाने से तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? ताकिरो कुछ बोल नहीं पाया। रात भर बिल्ली को गोद में लेके बैठा रहा, मगर ये वो बिल्ली नहीं है जो उसके पास बचपन में थी। उसे याद है जब वो हाई स्कूल में था, एक दिन अचानक उसकी बिल्ली रेतासु ने खाना पीना बंद कर दिया। उस दिन जब माँ घर आई और उन्हें ये पता चला, माँ बोली, क्यों रे, तुझे भी मेरे पीछे पीछे आना है? तब ताकिरो को समझ नहीं आया। उसी रात बाबा ने बताया, तुम्हारी माँ को कैंसर है, वो ठीक नहीं हो सकती, बस कुछ बचे दिन ही है हमारे पास। अगले दिन रेतासु ने माँ की गोद में दम तोड़ दिया। कहते हैं ना, जानवर को इन चीजों का आभास हमसे पहले हो जाता है। और फिर रेतासु इस घर में अपनी पूरी उम्र भी तो जी चुका था। माँ उसके गम में और खामोश हो गई, और एक दिन उन्हें किसी कोने से म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। अरे, ये तो रेतासु की आवाज है। बाहर निकलकर देखा तो बिल्कुल उसी की तरह दिखने में एक बिल्ली का बच्चा उनके आंगन में है। माँ ने उसे रख लिया और नाम दिया काया बिस्सु। हफ्ते भर बाद माँ ने ताकिरो को एक चिट्ठी दी और बोली, मैं कल जब ना रहूं तब इसे पढ़ना। उसने वो चिट्ठी लेने से इनकार कर दी। ऐसे कैसे वो सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर जा सकती है, माँ को तो रहना होगा। अब यहाँ रात में जब उसकी नींद खुली, पास में उसकी बिल्ली नहीं है। वो डर गया
कि कहीं वो भी बाकी चीजों की तरह गायब तो नहीं हो गई। पूरा घर ढूंढने के बाद ताकेरु गली सड़कों में उसे आवाजें दे रहा है। तेज बारिश में ना तो उसे दूर तक दिखाई दे रहा है ना ही आवाज जा रही है। थक हार कर जब वो घर आया, काया बेत्सू को लेटर बॉक्स के ऊपर देखकर उसकी जान में जान आई। लेटर बॉक्स से बाहर एक चिट्ठी झांक रही है। ये वही चिट्ठी है जो मियाज़ाकी ने उस दिन डाक की थी और जिसे ताकेरु की माँ ने लिखा था। उनके इस दुनिया से चले जाने के कुछ दिन पहले वो लिखती है, मैं भी बाकी लोगों की तरह अच्छा घूमना, अच्छे कपड़े पहनना चाहती थी। फिर तुम हमारी जिंदगी में आए और पता ही नहीं चला कब मेरे ये सारे शौक तुम्हारे लिए हो गए। हमारी जिंदगी में तुम कितने अनमोल हो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे याद है जब तुम पैदा हुए थे ना, तेरे बाबा ने तुझे शुक्रिया कहा था इस दुनिया में आने के लिए, हमारे घर में आने के लिए, हमारी जिंदगी में आने के लिए। ये हमेशा याद रखना कि जिंदगी के हर आसान मुश्किल फैसलों में तुम मुझे अपने पास पाओगे। एक अच्छा इंसान बनकर जीना, सही और गलत का फर्क समझना और हमेशा खुश रहना। शायद उस वक्त ना सही, मगर आज ताकेरु को माँ की चिट्ठी बिल्कुल सही वक्त पर मिली, जब उसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। और माँ ने सच कहा था, इस चिट्ठी के जरिए वो हर आसान मुश्किल फैसलों में उसके पास है। बाहर बहुत देर तक बैठकर वो रोता रहा, फिर अंदर आकर माँ की कुछ तस्वीरों में उसे बाबा की खींची वो धुंधली तस्वीरें दिखी जिसमें उनके हाथ कांपे थे और आंसू से डबडबाई आंखें थी, क्योंकि वो माँ के आखिर के दिनों की कुछ तस्वीरें थी। अब तक ताकेरु तय कर चुका है कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए, उसका फैसला क्या होगा। जब प्रेत दोबारा उसकी एक और चीज लेने आया, ताकेरु बोला, मैं बिल्लियों के बिना ये दुनिया नहीं चाहता। ये सच है कि मैं मौत से डरा हुआ हूँ, लेकिन ये डर ही तो ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी कितनी अजीज है, और ये जिंदगी एहसास दिलाती है कि ये यादें कितनी अजीज हैं। शुक्रिया मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि दुनिया में कुछ चीजों को बदला नहीं जा सकता। असल में वो इन चीजों को गायब करके खुद को भी तो किसी न किसी तरह मिटा ही रहा है। जब वो इस दुनिया में रहकर भी किसी की जिंदगी में कोई अंतर ना ला सका, चाहे वो कितना मामूली सा अंतर ही क्यों ना हो, जब उसकी किसी के साथ अच्छी यादें ही नहीं रहेगी, वो सब एक एक कर अनजान बन जाएंगे, तो फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इससे भली तो मौत ना हो, जहाँ तुम्हारा सफर भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन तुम जाने के बाद भी दूसरों के सफर का एक हिस्सा हो। दरअसल वो प्रेत ताकेरु के अंदर का ही एक डर था, और जब दूसरे एहसास डर पर हावी होने लगा, वो प्रेत भी गायब हो गया। साथ मोबाइल फोन, फिल्में, घड़ियां, सब अपनी अपनी जगह वापस आ गई। अगली सुबह शायद उसका आखिरी दिन है, क्योंकि उसने इस दुनिया से कुछ भी ना बदलने का फैसला किया है। वो सबसे पहले मियाज़ाकी से मिला, उसकी जिंदगी भी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसे कभी नहीं भूलेगी। मियाज़ाकी ने ताकेरु को गले से लगाकर कहा, शुक्रिया मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनने के लिए। फिर वो तात्सुयो के पास गया जो अपनी डीवीडी की दुकान पर है। उसके पास आज कोई फिल्म नहीं है उसे देने को, क्योंकि उसे सच में नहीं मालूम कि वो एक आखिरी फिल्म उसे क्या दे। ताकेरु ने उसे भी अलविदा कहा और फिर अपने बाबा के नाम एक लिखा खत और काया बेत्सू को लेकर अपने पुराने घर की तरफ निकल गया, जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको ये मौका मिले कि एक एक दिन जिंदगी में जोड़ने के लिए आपको अपना अहम हिस्सा इस दुनिया से गायब करना पड़े, तो वो क्या होगी, और क्या उस चीज़ के बिना मिली जिंदगी जिनमें जीना बिल्कुल पहले जैसा होगा, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊँगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू।